हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे वेज चाउमीन। इसे बनाने में बहुत समय लगता है, पर आज एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी मैं आपके साथ जिससे इसे फटाफट बनाया जा सकता है। चलिए बनाते हैं वेज चाउमीन। ये है चाउमीन के इंग्रेडिएंट। सबसे पहले नूडल्स उबालना है। इसके लिए एक भगोने में 4 कप पानी गर्म होने के लिए रख दीजिए। जैसे ही पानी एकदम उबलने लगे उसमें डाल दीजिए वेज हाका नूडल्स। पूरा डाल दीजिए, इसे तोड़िए नहीं। जैसे जैसे पानी एकदम गर्म होगा इसे अंदर कर दीजिए, ये आसानी से अंदर चला जाएगा। बीच बीच में इसे पलट लीजिए। 2 मिनट में ये उबल के तैयार हो जाएगा। जैसे ही नूडल्स 80% कुक हो जाए फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और नूडल्स को एक छन्नी में छान लीजिए। तुरंत ही इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दीजिए। इससे नूडल्स बिल्कुल अलग अलग बनते हैं। एक बाउल में डाल दीजिए विनेगर, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस और थोड़ा सा नमक। नमक ध्यान से डालें क्योंकि ऑलरेडी सॉसेस में नमक रहता है, और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। इन्हें मिला लें। एक बड़े पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लीजिए। इसमें डाल दीजिए कद्दूकस किया हुआ लहसुन, लंबाई में कटे हुए प्याज, गाजर, लंबाई में कटे हुए कैप्सिकम। मैं यहाँ पे रेड और ग्रीन यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट तक लगातार इन्हें चलाते हुए हाई फ्लेम पे कुक कर लेना है। इसके बाद इसमें लंबाई में कटी हुई पत्ता गोभी डाल दीजिए। आप चाहें तो और भी दूसरे वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। अभी इसे हाई फ्लेम पे ही कुक करना है। इसकी सब्जियों का कलर भी नहीं ख़राब होना चाहिए और ये थोड़ी सी कुक भी हो जानी चाहिए। इतना ही कुक करना है, फ्लेम को लो नहीं करना है। वेजिटेबल्स थोड़ी सी कुक हो जाए उसके बाद हम डाल देंगे इसमें सॉसेस। सॉसेस को हमने ऑलरेडी एक बाउल में मिला के रखा हुआ है। इस समय हम इसमें आधा ही यूज़ करेंगे, इससे इसका टेस्ट और अच्छा आता है। अब डाल दीजिए बॉईल किए हुए नूडल्स, साथ ही डाल दीजिए बची हुई सॉसेस। नमक ऑलरेडी सॉसेस में और इसमें डला हुआ है, इसलिए नमक नहीं डालना है। हाई फ्लेम पे इसे 1 से 2 मिनट और कुक कर लीजिए और सर्व कीजिए। लीजिए, तैयार है वेज चाउमीन। स्प्रिंग ऑनियन से अगर इसे गार्निश करेंगे तो ये दिखने में और भी अच्छा दिखेगा। वाओ, लाइक और कमेंट करने के बाद इस रेसिपी की लिंक को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।